हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी मेडिसिन में। और आज हम बात करने वाले हैं सिस्टाल प्लस टेबलेट के बारे में। इसके क्या क्या यूजेज हैं, बेनिफिट्स हैं, प्रिकॉशन है और इससे आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, सिस्टाल प्लस टेबलेट बेस्टोकेम कंपनी की बेस्ट टेबलेट है। इसकी प्राइस है 102.46 रुपए पर स्ट्रिप, जिसका कंटेंट होता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और डाइक्लोफेनेक पोटेशियम। इस टेबलेट का यूज आप ओनली डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। यह टेबलेट आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। इसमें होने वाला डाइक्लोफेनेक एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है और काइमोट्रिप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। इस टेबलेट का उपयोग दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है, यानी कि अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, डिसमेनोरिया है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रूसिटिस और टेडिनाइटिस जैसी प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में ये टेबलेट आपको डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, जहां इसके काफी इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं आपको। साथ ही अगर आपको मसल्स पेन है, दांतों में दर्द है, गाउट की प्रॉब्लम है, बदन दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, साइटिका की प्रॉब्लम है, या फिर आपको मोच आ गई है, या फिर आपको आंखों में दर्द है, सूजन है, जलन है, दाढ़ दर्द है, या फिर आपको हील पेन हो रहे हैं, इनके अलावा आपको स्वेलिंग है, या फिर आपको पोस्ट ऑपरेटिव पेन की प्रॉब्लम है, तो इन सभी कंडीशन में यह टेबलेट आपके लिए काफी फायदेमंद टेबलेट है। बात करें अगर इस टेबलेट के सावधानियों की, तो जिनको पेट में अल्सर की प्रॉब्लम है, या फिर जिनको हाई बीपी है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी या लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो इन सभी कंडीशन में इस टेबलेट का यूज ना करें, या फिर अपने डॉक्टर को बताएं इन बारे में और उसके बाद इसका यूज करें। इनके साथ ही अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो वो इसका यूज ना करें। और इस टेबलेट के सेवन के समय आपको शराब का यूज नहीं करना है, नहीं तो आपको नींद आने की समस्या हो सकती है या फिर अन्य कोई भी दुष्परिणाम आपको नजर आ सकते हैं। आप जानते हैं इसके डोज के बारे में, तो जो नॉर्मली इसका डोज है वो है एक एक टेबलेट सुबह शाम खाने के बाद में, पर अलग अलग बीमारी, मरीज और उनकी कंडीशन के अनुसार डॉक्टर्स इसका डोज चेंज कर सकते हैं, तो इसका यूज आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। आप जानते हैं इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में, तो जो कॉमन साइड इफेक्ट आपको नजर आ सकते हैं वो है नोजिया या वॉमिटिंग होना, दस्त लग सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है, भूख की कमी आपको हो सकती है, खट्टी डकार आ सकती है और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इनके अलावा आपको स्किन रेसेस की प्रॉब्लम नजर आ सकती है। अगर इन साइड इफेक्ट के अलावा भी अगर आपको कोई अदर साइड इफेक्ट नजर आए तो इस टेबलेट का यूज बंद करें और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।